ईरान की संसद में एक हैरतअंगेज बिल पास किया गया है। इस बिल को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। इस बिल के अनुसार पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है। ईरान में अब अपनी गोद ली हुई बेटी से पिता शादी कर सकता है। ये बिल उसे ये हक देता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। इस बिल के मुताबिक अब ईरान में कोई भी शख्स 13 साल से ज़्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में ये बिल 22 सितंबर को पास किया गया है। यहाँ के कई एक्टिविस्ट्स ने इस बिल का काफ़ी विरोध किया है। वहीं लंदन बेस्ड जस्टिन फॉर ईरान नाम से एक ग्रुप की मानवाधिकार वकील शदी सदर ने बताया कि ये बिल पेडोफीलिया बाल शोषण गैरकानूनी को लीगल कर रहा है। अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी करना ईरानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। शही सदर ने कहा कि दुनिया में मौजूद बाकी देशों की ही तरह ईरान में भी अनाचार मौजूद है, लेकिन ये बिल ईरान में बच्चों के प्रति क्राइम को और बढ़ाना है। अगर पिता ही अपनी गोद ली हुई नाबालिग बेटी के साथ शादी कर सेक्स करेगा तो ये रेप है। उनके मुताबिक ईरान के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस बिल को पास करने का मकसद हिजाब की परेशानी को सुधारना है। गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब और गोद लिए हुए बेटे के सामने माँ को हिजाब पहनाना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया बिल इस्लामी मान्यताओं का विरोध करता है और अभिभावक परिषद इसे पारित नहीं करेगा। इस्लाम देश में 13 साल की उम्र से ऊपर वाली लड़कियाँ उनके पिता की मंजूरी से शादी कर रही हैं, वहीं लड़कों की शादी 15 साल की उम्र में हो सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।